और अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा को आज नई सरकार मिलने जा रही है। हरियाणा के सीएम का शपथ ग्रहण होगा। नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ लेंगे। पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। 12 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण में हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, एनडीए घटक दलों के कई नेता भी मौजूद रहेंगे। तो आज हरियाणा के पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पंचकुला में ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और जानकारी ये मिल रही है कि 12 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे, साथ ही साथ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। हालांकि अगर हम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात करें तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार नहीं होंगे, लेकिन एनडीए घटक दलों के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो संभावित मंत्री कौन कौन सी तस्वीरें आप देखिए। अनिल विज जो कि मनोहर लाल सरकार में मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता हैं, बहुत बड़ा चेहरा है हरियाणा में बीजेपी का। 1970 में एबीवीपी के महासचिव बने थे, 1991 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने अनिल विज। और संभावित मंत्रियों की जो सूची उसमें पहला नाम ये है। फिर दूसरे देखिए संभावित मंत्री हैं राव नरवीर सिंह, बादशाहपुर विधानसभा सीट से जीते हैं, चौथी बार के विधायक हैं, चौथी बार विधानसभा पहुंचे हैं, चुनाव जीतकर हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं और इसलिए माना जा रहा है कि इस बार भी उन मंत्रियों की सूची में है। 1987 में पहली बार ये मंत्री बने थे, एक लंबा इनका कार्यकाल। अब देखिए तीसरे जो संभावित मंत्री हैं लक्ष्मण यादव हैं, रेवाड़ी विधानसभा से चुनाव जीते हैं, 2019 में कोसली विधानसभा से चुनाव जीते थे और इनका नाम भी प्रमुख रूप से सामने आ रहा है संभावित मंत्रियों की सूची में। विपुल गोयल फरीदाबाद विधानसभा से चुनाव जीते हैं और संभावित मंत्रियों में इनका नाम भी है। मनोहर लाल सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे विपुल गोयल और माना जा रहा है कि इस बार भी वो रहेंगे मंत्री बनने की लिस्ट में। 2014 में पहली बार विधायक बने थे और इस बार भी मंत्री बनने की पूरी संभावना नजर आ रही है विपुल गोयल की। तो ये हम संभावित चेहरे आपको दिखा रहे हैं जो आज शपथ ग्रहण कर सकते हैं मंत्री के तौर पर। तो दूसरी बार नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेने जा रहे हैं। पंचकुला में भव्य समारोह होगा शपथ ग्रहण का, जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद होंगे, गृह मंत्री मौजूद होंगे, रक्षा मंत्री मौजूद होंगे, साथ ही साथ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद होंगे। तो पंचकुला में व्यापक तैयारियां हैं, शपथ ग्रहण की तैयारियां हो चुकी है और आज 12 बजे ये शपथ ग्रहण होगा। और इनके साथ ही साथ ये जो संभावित चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, अनिल विज हैं, कृष्णलाल पवार हैं, कृष्ण बेदी हैं जो कि संभावित मंत्रियों की सूची में हैं। अनिल विज अम्बाला कैंट से आते हैं। वहीं अगर हम बात करें कृष्ण बेदी की तो नरवाना विधानसभा से हैं, इसराना से कृष्णलाल पवार हैं जो कि संभावनाओं की जो सूची है उसमें इनका नाम बड़े प्रमुख रूप से है कि ये जो 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं उनमें से ये चेहरे शामिल हैं। महिपाल वांड्रा है, मूलचंद शर्मा है, राव नरवीर सिंह है, ये वो चेहरे हैं जो शपथ आज मंत्री के तौर पर ले सकते हैं। अरविंद शर्मा का भी नाम है, सुनील सांगवान का नाम है, कृष्णलाल मिड्डा का नाम भी तेजी से चल रहा है कि ये भी मंत्री हो सकते हैं। लक्ष्मण यादव, विपुल गोयल, तेजपाल तंवर भी हैं जिनका संभावित मंत्रियों की सूची में दावेदारी जो है, जो प्रबलता से नाम है, वो सामने आ रहा है। तो इससे पहले नायब सिंह सैनी को कल विधायक दल का नेता चुना गया, पर्यवेक्षक बनकर गए। अमित शाह की चाणक्य की नीति काम आई, जिससे हरियाणा में बीजेपी की भीतर मुख्यमंत्री पद वाली रेस को थाम लिया गया। मिनटों में सर्वसम्मति बन गई, सीएम पद के दूसरे दावेदार भी एक सुर में कह उठे, नायब ही बनेंगे सीएम। अमित शाह मुस्कुराए और इसे एक मुस्कुराहट में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री को लेकर सारे किंतु परंतु पर विराम लगा दिया। तय हो गया कि नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फिर से एक बार नायब सिंह जी को आप सबने नेता चुना है, मुझे विश्वास है नायब सिंह की सरकार इसी तरह से काम करेगी जिस तरह से हमने सारे 9 साल भ्रष्टाचार विहीन।
पंचकूला में अमित शाह की इस घोषणा से पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नायब सिंह सैनी की ताजपोशी का रास्ता तैयार हो चुका था। विधायक दल की बैठक में अनिल विज और कृष्ण बेदी ने नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा। कृष्ण बेदी दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जबकि अनिल विज का नाम मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदारों में गिना जा रहा था। आरओ ने एक मत से विधायक दल का नेता चुना है और वो मुख्यमंत्री कल शपथ लेंगे। मन में कभी पार्टी मुझे चौकीदार बना देगी, मैं वो भी पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। अनिल विज मेरा नाम। विधायकों ने नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगाई तो गुलदस्ते पेश किए जाने लगे। हरियाणा के लोगों ने आदरणीय मोदी जी की नीतियों के ऊपर मुहर लगाई है। मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय अमित शाह जी को, जो हरियाणा के लोगों की अपेक्षा है, ये पूरी टीम उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेगी। इसके तुरंत बाद अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी की टीम राजभवन पहुंची। नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल के आगे सरकार बनाने का दावा पेश किया और कुछ ही देर बाद जश्न में जलेबियां बंटने लगी। इधर जश्न चल ही रहा था कि तीन निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया। शपथ ग्रहण समारोह पंचकूला के दशहरा मैदान में होगा। अपने क्षेत्र के विकास के लिए और उसकी उन्नति के लिए हमने ये फैसला लिया है, हम सरकार के साथ जा रहे हैं।